नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2 जनवरी से IAS इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं दिल्ली में, और अभी जो है सर इंटरव्यू देकर निकले ही है। तो चलिए जानते हैं आज का इंटरव्यू कैसा रहा और सर से कैसे कैसे सवाल पूछे गए। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो सर, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? काफ़ी अच्छा था। लेंथ मेरे हिसाब से 25-30 मिनट का इंटरव्यू था। इंटरव्यू बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल था। और आपका नाम क्या है और आपका अटेम्प्ट और ऑप्शनल क्या था? मेरा नाम दीपक नैन है, मैं श्रीगंगानगर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है और पहला इंटरव्यू है, और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। अच्छा, हिस्ट्री आपका ऑप्शनल। और बाकी आप राजस्थान से आए थे, राइट? तो क्या कुछ पूछे गए इंटरव्यू में, मतलब शुरुआत से थोड़ा सा बताइए, आप जब एंट्री किए पहला सवाल क्या था? जी, इंटरव्यू में जैसे रूम में मैं एंटर किया, सबसे पहले सर ने मेरा जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है बीए ऑनर्स और मास्टर्स इन हिस्ट्री, उसको पढ़ा तो उन्होंने बोला कि आप मतलब हिस्टोरियन हुए। फिर तो उन्होंने बेसिकली हिस्ट्री से ही फिर शुरू किया। जो चेयरमैन थे तो उन्होंने फिर हिस्ट्री को लेके जो चाइना और यूएस का जो बीच में चल रहा है अभी, उसको उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे। ताइवान को रिलेटेड से कुछ क्वेश्चन थे, और एक ये था कि हिस्टोरियंस फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं क्या और कितनी एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, बेसिकली ये था। अच्छा, ऐसा कोई सवाल था जिससे आपको लगा कि थोड़ा सा प्रेशराइज करने की कोशिश की गई हो? मेरा इंटरव्यू बेसिकली हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, उस पर मेरे को लगा अच्छी खासी ग्रिलिंग हुई मेरी। और जो स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है जैसे, उस पर कार्ल मार्क्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, एस्थेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, और इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी सारे सवाल थे, और काफ़ी ओपिनियन बेस्ड और सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं था। कोई साइकोलॉजिकल सवाल? नहीं, कोई केस स्टडी जैसा कुछ तो मेरे से नहीं पूछा गया। लेकिन हाँ, ओपिनियन बेस्ड था, लेकिन मोस्टली हिस्ट्री और कुछ कुछ करंट अफेयर, जैसे कि GST हो गया, या राजस्थान से रिलेटेड कुछ सवाल थे, जैसे राइट टू हेल्थ बिल हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी इन राजस्थान, ये सब चीज़ें थी। सर, डैव से एक भी सवाल नहीं पूछेगा? डैव से राजस्थान एक कीवर्ड है, तो उससे दो तीन सवाल किए गए, और बाकी तो हिस्ट्री बैकग्राउंड है, तो हिस्ट्री ज़्यादा डोमिनेट किया मेरे इंटरव्यू में। ओके सर, बाकी मेंस के बाद जो टाइम मिला उसके बाद आपने कितने मॉक इंटरव्यू दिए? मेंस के बाद जैसे रिजल्ट इसका 8 दिसंबर को आया था, उसके बाद एक वीक तो हमें डैफ फिल करने में जाता है जी। उसके बाद हालांकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी इंटरव्यू हो जाएंगे शुरू, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला प्रिपेयर करने का। तो मैंने इससे पहले 2 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे विजन IAS और चहल अकेडमी के साथ। बट ये है कि जो रियल इंटरव्यू होता है उसका फील और माहौल पूरा अलग होता है मॉक से। तो आपको ऐसे क्या अंतर लगा कि टफ कौन सा होता है, मतलब रियल इंटरव्यू या फिर मॉक इंटरव्यू? आई थिंक सब जो मॉक इंटरव्यूज होता है बेसिकली दे प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट, कि आप बिल्कुल घबरा ना जाओ। तो डैफ से रिलेटेड काफ़ी डिटेल में मॉक इंटरव्यूज में पूछा गया था, और मॉक्स में जैसे मेरा हिस्ट्री का बैकग्राउंड होने के बावजूद मुझे हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए थे, दो तीन क्वेश्चन किए थे। बट इसमें आई थिंक 60-70% ऑफ द क्वेश्चन वर फ्रॉम हिस्ट्री, तो आई थिंक ये डिफरेंस हो सकता है। हालांकि मॉक्स में चहल अकेडमी में जो जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने मेरे को बोला था कि आप हिस्ट्री से हैं, आपका बीए और एमए दोनों हिस्ट्री से है, तो आप तैयार रहेगा, आपको ग्रिल किया जा सकता है हिस्ट्री पे, तो वही हुआ। अच्छा सर, ये बताइए आपने तैयारी कहाँ कब से शुरू की थी और कितने समय लग गया आपको, मतलब सेकेंड अटैम्प्ट में इंटरव्यू में? एक्चुअली ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है और पहला इंटरव्यू है। मैंने तैयारी अराउंड अगस्त 2021 में शुरू की थी। पहले अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, और सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने फिर इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ मैं अभी। ओके सर, प्रीलिम्स में बहुत लोग इस बार जो है 2023 का प्रीलिम्स में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, सीसेट में भी कई मतलब टफ सवाल आया है, और पैटर्न भी चेंज हुआ है, एलिमिनेशन टेक्निक भी काम नहीं कर रहा है। तो इस बार जो 2024 का प्रीलिम्स आ रहा है, इसमें स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, एक्सपीरियंस कैसे करें? आई थिंक सबसे अच्छा तरीका तो मेरे हिसाब से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको अच्छे से अटेम्प्ट किए, इवन जो रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं उन पे भी आप अच्छे से पढ़िए। तो और ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक हालांकि पूरी तरह से नहीं गया है, पर उसका इफेक्टिवनेस ऑब्वियसली थोड़ा कम हो गया है, तो उससे अगर आप उसी
पैटर्न वाले मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे ज़्यादा, तो आपको वो आपका मीडियन रेंज पता चल जाएगा कि किस कितने सवाल मैं करता हूँ, तो मुझे मतलब 80 या 90 जो भी आपका स्वीट स्पॉट है वो आपको पता चल जाएगा। वो खुद आपको डिस्कवर करना होगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। तो सर प्रीलिम्स के लिए कितने टेस्ट सीरीज लगाने चाहिए? आई थिंक आप एक तो जैसे विजन का है और जी एस स्कोर है, फोरम है, आप सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का दे सकते हैं, बट फोकस ये रहना चाहिए कि एक इंस्टीट्यूट का आप सारे मॉक अटेंड कर लीजिए एक बार, और उसके बाद बाकी इंस्टीट्यूट्स के फुल लेंथ जो टेस्ट होते हैं वो सबके कीजिए, ताकि थोड़ी वैरायटी मिले क्वेश्चंस में आपको। मॉक टेस्ट ऑनलाइन देने चाहिए या ऑफलाइन देने में फ़ायदा? आई थिंक जो मॉक्स हैं वो मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, या आप इंटरनेट से भी डाउनलोड करके आप उनका प्रिंट आउट लेके फिर आप दीजिए, क्योंकि जो रियल में पेपर होता है वो ऑब्वियसली पेपर में आप पलटने जाते हैं तो वो इतना इजी नहीं होता जितना कि ऑनलाइन में होता है, तो इसलिए एडवाइजेबल यही रहेगा कि आप प्रिंट आउट देके निकाल के उसके और फिर अटेम्प्ट कीजिए ओएमआर शीट में, टिक भी मत कीजिए, ओएमआर शीट भरने की थोड़ी आदत डालिए क्योंकि उसमें टाइम जाता है रियल एग्ज़ाम में। सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरी स्कूलिंग गंगानगर राजस्थान से हुई है, उसके बाद मैंने अपनी बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री एंड मास्टर्स इन हिस्ट्री हंसराज कॉलेज से की है, उसके बाद मैं तैयारी करने लग गया। ओके सर, आपका बैकग्राउंड भी मतलब ह्यूमैनिटीज ही है, तो इस बार जो सी सेट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड क्या आर्ट्स से है, तो आपने सी सेट में कैसे किया था, क्या अप्रोच था? आई थिंक सी सेट में ये ज़रूर हुआ है कि जो मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी टफ होते गए हैं ओवर द ईयर्स, बट अभी भी ये है ना कि 25 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, तो मेरा कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो मैंने 25 के 25 अटैम्प्ट किए। तो जो लोग ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं वो एटलीस्ट जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है उसको आप अच्छे से कर लीजिए, उससे भी 15-20 सवाल तो होते हैं, तो अगर आप कॉम्प्रिहेंशन और उसको भी अच्छे से कवर कर लेते हैं तो 40 और 45 क्वेश्चन आप आराम से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, और थोड़ा एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। सी सेट में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपका एम नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, बस वही मैटर करता है। प्रैक्टिस होना चाहिए, मतलब स्पीड से कितना स्पीड से कर सकते हैं? बेसिकली जितना आप जीएस को टाइम देते हैं उसका आधा टाइम तो आप सी सेट को दीजिए, क्योंकि पहले जैसा नहीं रहा कि आप 10 दिन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे सी सेट का और हो जाएगा। आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, जो जितने भी यूनिट्स हैं जो यूपीएससी सिलेबस में पहले आती रही हैं, PYQs इसमें मेरे लगता है सबसे हेल्पफुल है सी सेट। आपने PYQs कितने साल के किए थे? मैंने बेसिकली जीएस पेपर्स के लिए तो 2011 से बाद में जो भी जितने भी हैं वो करने चाहिए, और सी सेट में एक्चुअली 2016-17 तक आप देखेंगे तो काफ़ी ईजी होता था सी सेट, तो मैं तो बोलूँगा कि 2018 से बाद के जो सी सेट पेपर्स हैं उसको आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि जैसे कुछ कुछ यूनिट्स है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो पहले नहीं आती थी, अब उसे देख रहे हैं कि हम 5 से 6 सवाल आने लग गए हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। सर मेंस के लिए बताएंगे एक वैल्यू एडेड आंसर लिखने के लिए उसमें क्या क्या पॉइंट होना चाहिए? आई थिंक मेंस में आंसर राइटिंग पूरा कंप्लीट अलग ही गेम है प्रीलिम्स से, तो उस पर फोकस आपका बेसिकली जो डिमांड है क्वेश्चन की उस पर होना चाहिए। बीटिंग अराउंड द बुश मत कीजिए, बीटिंग अराउंड द बुश मत कीजिए, पूरा जो डिमांड है क्वेश्चन की उसको हिट कीजिए, बाकी स्कीमेटिक्स है डायग्राम्स हैं उसका हेल्प लिया जा सकता है, और बाकी वैल्यू एडिशन मटेरियल के लिए जैसे कुछ कुछ जजमेंट्स हो गए या फैक्ट्स हो गए, एग्जाम्पल्स का बहुत रोल रहता है इसमें, अपने आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दीजिए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, वो काफ़ी अच्छे मार्क्स फेच करेगा आपको। ओके सर, अभी जो है प्रीलिम्स के लिए काफ़ी कम समय बचा हुआ है, 4-5 महीने ही है, जिनका अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है वो कैसे करें इस समय को यूटिलाइज, और कैसे उनको मतलब तैयारी करनी चाहिए? आई थिंक ओवर द ईयर्स जैसे हुआ है कि प्रीलिम्स सबसे टफेस्ट पार्ट बन गया पूरे एग्जामिनेशन का, तो आई थिंक लास्ट के जो 3 मंथ्स है फेबररी मार्च और अप्रैल, इनफैक्ट मई में भी आप पूरा 4 महीने या कम से कम 3 महीने तो डेडिकेटेडली सिर्फ प्रीलिम्स को दीजिए, उससे पहले आप मेंस के लिए पढ़ सकते हैं, बट लास्ट के 3 मंथ्स में सिर्फ टेस्ट सीरीज पे फोकस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कम से कम 3 बार अगर आप पूरे सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं प्रीलिम्स के पहले, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके सर, लास्ट में वीडियो के अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन एस्पिरेंट्स को जो गांव-गांव से हमारे इस वीडियो के देख रहा है और जो सोच रहा है कि उनको भी आईएएस की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है? आई थिंक मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज तो यही रहेगा कि ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि लोग कोचिंग जो मेनिया चढ़ा हुआ है उसके चक्कर में बहुत लोग
माइग्रेट करते हैं बड़ी सिटीज़ में जहाँ में रहने की भी दिक्कत होती है, तो आई थिंक उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि UPSC ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी आप घर पे बैठ के डेडिकेटेडली तैयारी कर सकते हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं सारे सेल्फ स्टडी करके किया। हाँ जी, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं, सबसे अच्छा बात यही है UPSC के एग्ज़ाम का कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फ्री में अवेलेबल है ऑनलाइन। जो भी आपको बुक्स है आजकल अमेजोन फ्लिपकार्ट हर जगह चलता है, आप डिलीवर करा सकते हैं। तो घर पे बैठ के अच्छे से तैयारी कीजिए, डेडिकेटेडली तैयारी कीजिए। कोचिंग्स में इतना पैसा वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं कोचिंग्स का, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और ज़्यादा टेस्ट दीजिए और सेल्फ स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए। चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू वेरी मच।